शुक्रिया। बस अब हम तकरीबन आखिरी मराहिल में हैं, इलेक्शन बिल्कुल सामने खड़ा है और सर पे आया हुआ है। एक चीज आज मैं काफी मिस कर रहा था, वो ये थी कि लास्ट टाइम जब खान साहब से मुलाकात हुई 2 आयाम कबल, बिरसिल गौर साहब भी मौजूद थे, तो खान साहब ने बिरसिल गौर साहब को एक मैसेज दिया था कि आप अनाउंस कर दें कि पूरे पंजाब में कैंडिडेट्स ने हफ्ते को अपने इवेंट्स करने हैं। बिरसिल गौर साहब ने ये बात जेल के सामने मीडिया को बताई, लेकिन वो शायद बात थी वो इतनी ज्यादा नोटिस में नहीं आई। और मैं ये समझता हूँ कि आपके वसातत से ये खान साहब का पैगाम था जो बिरसिल गौर साहब ने मीडिया टास्क में कही थी, लेकिन वो जो है इतना ज्यादा हाईलाइट नहीं हुई। तो खान साहब की ख्वाहिश है कि पंजाब में और मुल्क भर में जो है वो आज से जो है कन्वेंशन या रैली या कैंपेन जो है वो पब्लिकली शुरू होनी चाहिए थी। दूसरी बात यह है कि मैं 4-5 अयाम के लिए आया हूँ अपने आबाई हल्के में, और कल लोगों ने रिसीव किया, बहुत बड़ी तादाद में लोग आए, पंजाब के अंदर आ गए, क्योंकि हम ईसा खेल से जाते हैं लकी मरवत, ईसा खेल इंटरचेंज है, तो ईसा खेल जो है जिला मियांवाली का ईसा है, इस साइड पे खान साहब का हल्का है और बिल्कुल जुड़ा हुआ हल्का मेरा है, तो लोग आए बहुत ज्यादा भारी तादाद में। अब कल से हम यहाँ पे कैंपेन कर रहे हैं, हमारी बड़ी अच्छी पोजीशन है। जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना फजल रहमान साहब जो है उनका बेटा जो सबसे छोटा बेटा है वो उन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया है, उसने जो मंझला बेटा बड़ा बेटा है वो टांग में उसको NFA कैंडिडेट किया है, जो इसका तीसरा बेटा है वो डी खान में है, इसके दो भाई इसके दो भतीजे और एक भांजा, कुल 8 अफराद जो हैं अपने खानदान से एक ही घर से इलेक्शन लड़ रहे हैं और दीगर अजला में लड़ रहे हैं, और 7-4 खवातीन जो हैं अपने खानदान की वो उन्होंने रिजर्व सीट पे रिकमेंड की है, यानी कुल मिला के 12 अफराद। अच्छा, जो बेरोजगार बच जाएंगे वो 2 अफराद हैं, उनमें से एक फर्द ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट है और जो दूसरा है वो फिजिकली फिट नहीं है। तो यहाँ तो हुई मौलाना साहब की, जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, हम KP में तो अल्हम्दुलिल्लाह कन्वेंशन तो अब हर जगह हो रहे हैं और लोगों की अब इतनी भरमार है और इतनी ज्यादा एक्टिविटीज हो रही है कि अब उनके बस की बात ही नहीं है। एक एक शहर में, पेशावर में एक एक दिन जो है 5-5, 6-6 जलसे हो रहे हैं। सिंध में गया तो सिंध में मीरपुर खास, हैदराबाद डिवीजन और कराची डिवीजन, इन तीनों डिवीजन में हमने इवेंट्स किए और जो जज्बा वलवला था, और अब मेरा सिंध की क्यादत से जो है राबते में हूँ और वो बता रहे हैं कि मेरे जाने के बाद जो है लोग अब रुकने वाले नहीं है, थमने वाले नहीं है। अलबत्ता मुझसे सकर रीजन रह गया, बेनजीराबाद और कुछ इलाके रह गए, मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं 1-2-3 फरवरी को जो है वो कंप्लीट कर लूँ। पंजाब में जो है अभी तक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से मेरा ख्याल है कैंपेन नहीं हो रही है, और मुझे समझ नहीं आ रही है कि कैंडिडेट जो है वो टिकट लेने के लिए तो कतार दर कतार जो है इस्लामाबाद का रुख किए हुए थे। अब बात जब कैंपेन पे आ गई है तो कैंपेन पे 3-4 लोगों ने बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया है। पिंडी में आज एक रैली हुई है, जलसा हुआ है, एक हमारे एक राणा साहब है खानेवाल में, उसका ये 7वां जलसा है जो करते जा रहे हैं, फिर तोनसा में एक इवेंट हुई है और इसके अलावा रहिंग्या खान में है, तो और ये इन लोगों की हिम्मत है, दाद है खान साहब की काल पे। बाकी मुझे शायद इलम नहीं है या मैंने मीडिया पे नहीं देखा है कि पंजाब में और कहाँ कहाँ पे लोगों ने इवेंट किए, लेकिन जो सबसे ज्यादा मायूसी मुझे हुई है वो लाहौर से, कि लाहौर में सारे जो वकील हैं नामी गिरामी और सारे जो नामी गिरामी फेसेस हैं PTI के वो सब लाहौर से हैं, और लाहौर को आज शो करना चाहिए था। नहीं, लेकिन और पॉइंट तो आ गया, लेकिन चलो साहब ये भी बताए।